दोस्तों बात करेंगे शिबा कॉइन से जुड़ी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की, और उसके साथ ही शिबा के इन्फ्लुएंसर सितोशी कुसामा ने यहां पर शिबा इनू के इकोसिस्टम को लेकर क्या कुछ कहा है, और क्या अभी आपको शिबा को होल्ड करके रखना चाहिए, और ये क्या सही समय होगा शिबा कॉइन में एंट्री लेने का। मतलब काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ऑल टाइम हाई पर और हाई प्राइस पर इसे बाय किया हुआ है, तो क्या अभी यहाँ पर इसमें पोटेंशियल बाकी है, क्या आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है या नहीं दे सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अपडेट्स की करें तो आप यहां पर देख सकते हैं यूटिलिटीज जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल आ रही है। फ्लोरिडा चर्च अनाउंसेस एक्सेप्टिंग शिबा इनू अस डोनेशन। यहां पर फ्लोरिडा का एक चर्च है जिसने यहां पर शिबा को अस अ पेमेंट एक्सेप्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। मतलब यहां पर जो डोनेशन है वो यहां पर शिबा कॉइन में इनके द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। इससे पहले अगर हम देखें, ये फर्स्ट मियामी चर्च है जिसने पहले अनाउंस किया था कि वो बीटीसी, इथेरियम और डॉज को यहां पर डोनेशन के रूप में अप्रैल से एक्सेप्ट करने वाला, और उसके साथ ही अब अगर आप देखें इन्होंने यहां पर कहा हुआ है कि शिबा टोकन को भी ये डोनेशन के रूप में एक्सेप्ट करने वाले हैं। आल्सो एक्सेप्ट शिबा इनू टोकंस अस डोनेशन। तो कहीं ना कहीं अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो वर्ल्ड वाइड यहां पर शिबा की जो यूटिलिटी है वो लगातार ग्रो हो रही है, जो एक अच्छा साइन जरूर है। लेकिन फिर भी अगर हम प्राइस पर इंपैक्ट देखें तो अभी के समय में जिस प्रकार से मार्केट की कंडीशन बनी, काफी सारे कॉइंस यहां पर ऑल टाइम हाई से 80-90% डाउन में जा रहे हैं, और अगर हम बीटीसी की बात भी करें तो ऑलमोस्ट यहां पर 70-80% नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मार्केट का जो इंपैक्ट है, मार्केट में जो मूव देखने को मिल रहा है, उसी को भी यहां पर फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यहां पर परेशान भी हो रहे हैं शिबा कॉइन को लेकर कि इसका प्राइस यहां पर कब बढ़ने वाला है, क्या इसमें अभी भी पोटेंशियल बाकी है, क्या यहां पर इनकी टीम सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, टीम यहां पर कुछ कर रही है नहीं कर रही। तो आप यहां पर देख सकते हैं सितोशी कुसामा जो शिबा का इन्फ्लुएंसर है, जो इनसे जुड़ी लगातार अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने यहां पर ट्वीट करके जानकारी दी है। आई नो द मार्केट कंडीशन आर टफ बट इट्स अमेजिंग टू सी हाउ शिबा आर्मी स्ट्रांग इज सो ट्रू। जहां पर मार्केट कंडीशन अभी काफी ज्यादा टफ बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो शिबा आर्मी है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। मतलब यहाँ पर जो सपोर्ट है शिबा आर्मी का, जो शिबा के होल्डर्स का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रहा है। आई कांट वेट टू प्रूव टू द वर्ल्ड व्हाट आई ऑलरेडी नो दैट शिब इज द मोस्ट पावरफुल टोकन कम्युनिटी इकोसिस्टम एंड ब्रांड द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि मुझे यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और ये सभी जानते हैं कि शिब यहाँ पर मोस्ट पावरफुल टोकन है। अगर हम पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखें तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये मोस्ट पावरफुल टोकन कम्युनिटी और इकोसिस्टम है, और एक ब्रांड है जिसे हर कोई जानता है, तो इसको यहां पर बताने की जरूरत नहीं है किसका प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है वो यहां पर इसमें काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें मार्केट की जो मूवमेंट देखने को मिल रही है, उस वजह से इसके प्राइस में जो डाउनफॉल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें यहां पर अगली अपडेट की जो इसकी बर्निंग से जुड़ी है, बर्निंग यहां पर लगातार जारी है, और लास्ट 7 डेज में अगर हम देखें 1.2 बिलियन शिबा टोकन को यहां पर कम्युनिटी के द्वारा बर्न किया गया है। मतलब बर्न पोर्टल की हेल्प से आप यहां पर देख सकते हैं काफी बड़ी क्वांटिटी। और इसके अलावा अगर हम लास्ट 24 आवर्स की बात करें, ऑलमोस्ट यहां पर 366 मिलियन शिबा टोकन बर्न हुए हैं, और ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं 24 ट्रांजैक्शन के थ्रू यहां पर ये बर्निंग हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट एलोन मस्क और डॉज कॉइन से जुड़ी निकल कर आ रही है। मतलब फिर से यहाँ पर एलोन मस्क ने डॉज को सपोर्ट किया है, और डॉज से जुड़ा हुआ ट्वीट इनके द्वारा यहाँ पर आया हुआ है। आई विल कीप सपोर्टिंग डॉज कॉइन, कीप बाइंग इट डेट। जहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ये कहा हुआ है कि मैं यहाँ पर डॉज कॉइन को सपोर्ट करता रहूंगा, और उसके साथ ही यहाँ पर एक सवाल भी आया था कि क्या आप इसे बाय करेंगे, मतलब इसे फिर आप बाय कीजिए। तो यहाँ पर इनका ये कहना है आई एम। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डॉज को ये डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। अगर यहाँ पर इनकी जो ट्विटर की डील है वो कंप्लीट होती है, तो कहीं ना कहीं जैसा कि इन्होंने कहा हुआ है कि वो यहां पर क्रिप्टो को एज अ पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो वहां पर आप देख सकते हैं जो प्राइस है कहीं ना कहीं डॉज का बढ़ेगा, अगर वो डॉज को भी वहां पर एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एलोन मस्क ने जो ट्वीट किया है, आई विल कीप सपोर्टिंग डॉज कॉइन 19 जून, आज के दिन लगभग 11:50 के आसपास ट्वीट आया हुआ, और काफी सारे रीट्वीट्स भी आप देख सकते हैं, लाइक्स भी ऑलमोस्ट यहां पर 1 लाख के आसपास होने वाले हैं। एक सवाल आप यहां पर देख सकते हैं, कीप बाइंग इट देन इन्होंने कहा था, और उसके साथ ही इनका यहां पर रिप्लाई भी आया हुआ है कि आई एम, मतलब मैं यहां पर इसे बाय भी कर रहा है। तो डॉज अगर हम देखें यहां पर मीम कॉइन जरूर है, लेकिन सपोर्ट अगर आप देखें उसके फादर का यहां पर उसे लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है, और उसका इंपैक्ट आप डॉज के प्राइस पर भी देख सकते हैं। लास्ट 24 आवर्स में अगर आप देखें पूरे मार्केट में इतनी ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन डॉज का जो प्राइस है ऑलमोस्ट यहां पर 7% तक पंप हो चुका है, और अभी ट्रेड कर रहा है 4.36 रुपीज। यहां पर आप देख सकते हैं जो एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है, जैसे ही यहां पर उनका ट्वीट आया उस
उसके बाद इसके प्राइस में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर आप अभी यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, क्योंकि लगातार इस प्रकार की सिचुएशन पहले भी देखने को मिली थी जहाँ पर डॉज से जुड़ा हुआ ट्वीट आता था तो कहीं ना कहीं डॉज के प्राइस में पंप देखने को मिलता था लेकिन फिर से वहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल जाता था। अगर हम शिबा की प्राइस की बात करें 0.00059 बिना किसी सपोर्ट के आगे बढ़ रहा है, ओनली यहाँ पर कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ पर इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें आप देख सकते हैं प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 का जो रेंज है उस पर बना हुआ है, मतलब 5 और 6 यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। लास्ट 1 ईयर की बात करें 4 का जो रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 4 और 5 की रेंज में ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 से 4 महीने तक था लास्ट ईयर 2021 में अगस्त के टाइम में, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। और उम्मीद है कि अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा रिकवर होता है तो यहाँ से बाउंस बैक करके 6 और 7 की जो सीरीज है उसमें आता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें 37% यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई से काफी सारे कॉइन्स यहाँ पर डाउन में चल रहे हैं और शिबा भी लगभग 92% डाउन में चल रहा है। अगर हम यहाँ पर $1 की बात करें, 1 रुपए की बात करें तो वहां तक पहुंचना अभी तो काफी ज्यादा मुश्किल है जिस प्रकार की सिचुएशन मार्केट में। लेकिन अगर यहाँ पर ये 1-0 को फिर से किल करता है जैसा कि 3-0 की सीरीज में आ चुका है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे देगा। लेकिन उसके लिए भी अभी यहाँ पर BTC को स्टेबल होना पड़ेगा, मार्केट को स्टेबल होना पड़ेगा। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।